नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप? आपको पता है मैंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया। मैंने अपने दोस्त को पूछा, मैंने कहा उरे आइयो, मैं कहा हम कहाँ खड़े हैं? कह रहा भाई अभी हम खड़े हैं तिलक नगर। मैं कहा यार ये मुख्यमंत्री तो कह रहा लंदन और पेरिस बना दिया। कह रहा फोन मत काटना, पहले पूरी बात सुनो। अच्छा। मैं दिल्ली को विकास करने आया हूँ। हाँ। सामने अन्ना हजारे की फोटो लगी थी, बेचारे की आंखों से आंसू आ रहे थे। जैसे ही वो योगी कह रहा होगा मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूँ, टै 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 टै। अरे हाय, कह रहे नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, अगर दवाई ना मिले तो मुझे फोन करो, और वहाँ फोन करो तो आप जैसी लड़की बोलती है इस रूट की सभी सेवाएं बंद कर दी गई है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अबे तेरा ही रूट खराब हो रहा है, पागल आदमी है तू। जल बोर्ड में फोन कर दो कि भैया मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा, दस डायल नंबर इज नॉट करेक्ट, प्लीज ट्राई आफ्टर समथिंग। पागल आदमी है तू साले, ये हेल्पलाइन। और ये क्या कर रहा मालूम है? मिस कॉल करवा रहा है सबसे, ये मिस कॉल करवा रहा है, तुम्हारा डाटा ले लेता है। अयुम, हाँ श्याम, कोई भी हो, इटावा स्टेशन में गाड़ी आ रही है बरातियों की, खैच लेना पूरी। अब तुम तो बेचारे कहाँ चला गया कूड़े का ढेर? जमुना कूड़े का ढेर, केजरीवाल बेईमान आदमी, मेंटल हिला हुआ सनकी। हाला गर्म पानी की हवा खा रहा है तू केजरीवाल। फोन आ रहा पीछे से आजम खान के बंदों का, हेलो आजम खान बोल रहा हूँ, थाना खाली कर लेना, सबको दस्त लग गए। अबे तुम्हारे टाइम पे दस्त लगते थे? वही पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस वही है, वही उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसो, आप फकर से कह सकते हो माताओं को बहनों को कि तू सेफ है। पहले यूं देती थी, भाई ले जा, मुझे पता है कि फोन आ जाएगा अखिलेश यादव आजम खान का। आज हम मुकर जाते हैं, पता क्यों कह रहे? एक बंदे, भाई मारूंगा नहीं, धराव यार मारूंगा जो। एक बंदे ने पूछा किसको वोट दिया है? कह रहा भाई मैंने ना वोट तो केजरीवाल को दिया, मगर बोलूंगा मोदी को। बोले क्यों? बोले लोग गलत नीयत से देखते हैं। अच्छा। फोन करता है लोगों को, रिकॉर्डिंग करा रखी इसने। नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप? इससे चोर, इसकी शक्ल देख लो सुबह, मैं सच्ची कह रहा हूँ पेट साफ नहीं होगा बंदों का, तुम्हारी कसम। साला शौचालय जाओ तो अरविंद केजरीवाल, नहाने जाओ तो अरविंद केजरीवाल। मुक्ति धाम के बाहर लुगाई रो रही है, किसी का बच्चा रो रहा है कि उसका परिवार का मर गया, और वहां लिखा नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, मुझे बड़ा दुख लगा। अबे यार कहीं तो छोड़ दे, ये प्रचार मंत्री है कौन? और जो शेर का बच्चा है उसने वहाँ फोटो लगाई है, वो देखो फोटो, वो देखो। ओ भैया कैमरे में उधर दिखाओ, तुम्हें पैसे नहीं मिलते का? वो देखो, अब देखो सब झंडों में चौड़ा होके घूम रहा है, वो देखो वो भगवा झंडा देखो घूम रहा है। अब ये भी भगवा झंडा पता क्यों लगाया उसने? ये मनमोहन होता तो इसमें भी विवाद छिल जाता, इसे हरा करो, इसे हरा करो। अब मोदी कह रहा है तुम्हारे बस की तो मेरी पूछ फाड़ के देख लो। और तुम भगवा से इतने परेशान हो, भाई जरा भगवा दिखाना, एक बार भगवा दिखाना है, बढ़िया आदमी लग रहा है अभी। ये भगवा है। अब तुम जितना किलस रहे किलसो, हमारा यूपी का मुख्यमंत्री तो पूरा नीचे से ऊपर तक भगवा है, उसका क्या बिगाड़ लोगे भड़वो? हेलो किलस गया फिर दोबारा। मैडम ये लोगों को अकल नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हमने एजुकेशन को बहुत अच्छा कर दिया, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बाहर बच्चे छुट्टी होते ही दारू पी रहे होते हैं, गांजा पी रहे होते हैं, चिलम लगा रहे होते हैं। हर बच्चे के हाथ में ना एक के साथ एक अद्धा पौआ होता है। दिल्ली का रेट सुनो दारू का, भैया पीता नहीं हूँ बता रहा हूँ, नॉलेज पूरी है पढ़ता हूँ, कभी तुम सोचो। 105 रुपया का क्वार्टर, कितने का? 105। यूपी में 190 का है। मैं तो कह रहा हूँ साला 1000 का कर दो, ना पिए कोई, जिसने पीनी होगी, जिसके खुजली मचली होगी वो पिएगा। कुछ लोगों को तो बुरा लग रहा होगा जो पीने वाले होंगे कि भैया ये तो बद्दुआ दे रहा है। एक अगर आप ध्यान लगाओ कि 1000 का क्वार्टर, कितनी गाली बकेंगे लोग, मगर जिसको तलब होगी भाई साहब वही पिएगा। 105 का क्वार्टर दे रहा है, और वो भी एक लेने जाओ तो दूसरा फ्री देता है। वो आदमी कभी भी केजरीवाल को गाली नहीं बकेगा, वो ये कहेगा केजरीवाल बढ़िया आदमी है, क्योंकि तुम मांगने का एक नशे की चीज। आज उस माता और बहन से पूछो, हमारे देश में नशा जो है ना नस्ल को हमारी खराब कर रहा है, कि एक बोतल की लत वाला व्यक्ति 2 बोतल पी रहा है और उसके लीवर सड़ रहे, जाके पता करो पंत में, भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अस्पताल में जाके देखो, और डॉक्टर पता क्या कहता है? पिछली बार जब ये आया था तब तो ठीक था, बोले सर डॉक्टर साहब तब 1 बोतल पीता था। कह रहे आई नो, अब क्या
क्या पी लिया? डॉक्टर भी पूछता आप क्या पी लिया? कह रहे सर वो एक्चुअली में मैं आपको सच बताऊं, हम लोगों ने गलती से ना केजरीवाल को वोट दे दिया है। तो पहले उससे क्या होता है, कह रहे उसमें एक के साथ एक बोतल दे दी है, पहले एक पीता था, ये कहता था एक कल पीऊंगा, इससे तो बर्दाश्त होती नहीं थी, रात को कहता था एक चखना और काट के लिया। रात रात में लोगों ने दो दो बोतलें पीनी शुरू करी है। लॉकडाउन में मोदी वैक्सीन बांट रहा था, मोदी कह रहा था भैया राशन लो मास्क लो, आज लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। भैया कैमरा में तुम्हें सैलरी मिलती सबको दिखाओ जो घूम रहे। अरे एक आते तो पहनेगा वो तो तुम्हें, तुम डरा रहे हो मास्क पहन के, तुम चाइनीज लग रहे हो हमारे को। उधर देखो ये भाई साहब दिखाओ सारे, ये क्यों नहीं पहने मास्क मालूम है? किसी ने सेकंड डोज लगा रखा है, किसी ने बूस्टर लगवा रखा है। और अगर किसी को वैक्सीन का डोज नहीं लगा होता तो यही केजरीवाल ये सेंट्रल पार्क दिखाना भाई, यही केजरीवाल अपने कपड़े फाड़ लेता, कहता मोदी जी देश को वैक्सीन नहीं लगी, कहता ना भाई। आज वैक्सीन का मुद्दा आप लोगों ने घाल दिया, कैसे पत्रकार हो मैडम, सैलरी नहीं मिल रही पूरी। भैया मालिक एक चैनल के मालिक, इसको पैसे पूरे दिया करो भैया। मैडम वैक्सीन लग गई है। और ये क्या कहता था ओवैसी, जो कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, आप क्यों नहीं बोल रहे 15 मिनट? पता है क्यों? 2014 के बाद बाप आया बदमाशों का, बदमाशों का चोर चक्कों का बाप आ गया है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक बार बोलना मुझे मोदी, मोदी एक बार और बोलो मोदी, मोदी खौफ पैदा होता बॉर्डर पार करो। और एक बार बोलो मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आदरणीय मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह बॉर्डर क्रॉस कर लो, बोले कुछ नहीं होगा। हमारे बंदे बैठे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं विकास। अरे राहुल गांधी चिकन बर्गर है मैडम, युवा है वो, युवा कह रहे हैं 54 साल का युवा है। मैडम अगर वो 54 साल का युवा है तो ये तो इसका तो बेचारे का आधार कार्ड भी नहीं बना होगा अभी। अगर ये युवा है वो राहुल गांधी, भाई 54 साल का युवा होता है, हमारे यूपी में चचा बोलते हैं, चचा का चचा कहते हैं। एक काम तो बढ़िया हुआ है, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं था। केजरीवाल मोबाइल मेरा पैसों का अपनी जेब में डालो, तू मत किलसियो। हाँ ये किलसेगा। एक बात तो हुआ भारत जोड़ो आंदोलन में, एक तो ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है, मैडम महिलाएं बहुत आई है उसमें, महिलाएं बहुत आई है, महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, देखो भारत जुड़े या ना जुड़े, भारत तो किसी की औकात नहीं तोड़ ले, मगर उसका घर जरूर जुड़ जाएगा अब। अच्छा। क्योंकि वहाँ मुहिम चल रही थी हाथ से हाथ मिलाओ, अब कोई तो होगी, कोई तो होगी जो मिसिस राहुल गांधी बनना चाहेगी। और मैं तो देखना चाहता हूँ, मैं तो देखना चाहता हूँ भाई, मैं दावत में भी आऊंगा राहुल गांधी, इतना बुरा नहीं हूँ मैं, तू बुलाएगा तो मैं आऊंगा, अरे नहीं भी बुलाएगा तो भी आ जाऊंगा मैं, बेगानी शादी में दीपक, दिल्ली का दीपक दीवाना, चल खुश रहे, शादी में जरूर जाऊंगा मैं और बधाई देकर आऊंगा, हिंदू आदमी हूँ कि इसका पहला लड़का ही हो। अच्छा। क्योंकि मैं वो वैरायटी देखना चाहता हूँ, वो वैरायटी कैसी होगी। नहीं समझे, आप पत्रकार हो, आपका जीनियस जो होगा आपके भी जब भी हो, हमारे जो बच्चे होंगे कुछ ना कुछ तो बाप की उनमें वो जाएगी फितरत, नहीं जाएगी भाई साहब। मैं ये देखना चाहता हूँ वो कैसा होगा। ये कहता है कि भारत जोड़ो आंदोलन में गधों ने, कुत्तों ने, गाय ने, भैंस ने हमारा योगदान दिया है। मैडम आप लोगों को कहीं भारत जोड़ो आंदोलन में जानवर दिखे? नहीं दिखे जानवर कहीं? वो भारत जोड़ो आंदोलन था या जानवर जोड़ो आंदोलन था वो? क्या कानन भंडारी में हो रहा था वो? जुहू में हो रहा था क्या? यहाँ पे कहाँ है वो? चिड़ियाघर। अरे और ये मजे की बात सुनो, ये कश्मीर गए, कश्मीर गए ना अभी, अब वहाँ बर्फ के गोले में खेल रहे। हाँ नहीं बात तो सुनो, बुद्धि तो उसकी 10 साल वाली है, बात तो सही है भाई, 54 साल का भले है, अब वो बर्फ का गोला बना के खेल रहा, अब वो कभी इधर को गोला फेंके कभी उधर को गोला फेंके, तो पता क्या कह रहा अपनी बहन को, कह रहा तू मेरा गोला क्यों नहीं फेंक रही है जो मैंने बना के भेजा है, कह रही भाई वो गोला बर्फ का है तो टूट जाता है बार बार। अरे बर्फ का गोला हुआ तो टूट ही जाएगा वो। मैडम इनकी राहुल गांधी के टॉपिक में मत बोलो, ये पूछो 2024 में कौन आ रहा है, किसे जा रहे हैं आप 2024? 2024 में मेरा अगर पूछोगे तो मोदी जी को बोलो कि तुम केंद्र में रहो, मेरा जो मानना है, मोदी जी बढ़िया आदमी, मगर भाई साहब हम लोग ना किलस गए, क्यों किलस गए? मोदी जी से नहीं, हमें काम फास्ट चाहिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ इनको बना दो आप होम मिनिस्टर, इनको बना दो होम मिनिस्टर, किसको? मोदी जी को। और योगी जी को ले आओ, ए भैया रुक जाओ एक बार डिस्टर्ब मत करो, और योगी जी को ले आओ, और तुम्हारी कसम मैडम मेरी छोटी बहन की तरह, और इन भाइयों की कसम अपनी कसम, लास्ट में अपनी कसम भी खा लूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, कांग्रेस नहीं हूं, मैं केजरीवाल तेरी तरह नहीं हूं, बच्चों की झूठी कसम खाऊं, मैं कम से कम 10,000 लोगों को लाल किले के बाहर खाना बांटूंगा, जैसे ही वो योगी कह रहा होगा मैं हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता हूं।
अरे हाय क्या नजारा होगा, और चारों तरफ तिरंगा, उसके बराबर में भगवा, और नीचे गाने बज रहे हैं भारत का बच्चा बच्चा जय श्री, बोलो भाई बोलो, और किसी धर्म को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई दिक्कत